जब दिल में हो विश्वास अपार, तब सुर बन जाते हैं भक्ति का अवतार। कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस चैतन्य देवदे ने, जो पुणे महाराष्ट्र से आए थे दोस्तों, उन्होंने मूवी बेनाम का गाना मैं बेनाम हो गया, जो 1974 में यह मूवी आई थी और नरेंद्र चंचल जी ने इसे अपनी आवाज दी है, उस गाने को सारेगामा पा के ऑडिशन राउंड के दौरान में परफॉर्म करके मानो सबों का दिल जीत लिया हो। जहां हमारे जजेस खड़े होकर स्टैंडिंग ऑडिशन देते हुए नजर आए, तो वहीं ऑडिशन के दौरान में आए हुए बाकी सभी कंटेस्टेंट वह भी इनके गाने में झूमते हुए और जबरदस्त क्लैपिंग करते हुए साफ साफ नजर आए हैं दोस्तों। चैतन्य ने जिस खूबसूरती और जिस भक्तिपन के अंदाज से अपने परफॉर्मेंस को किए हैं, अनु मलिक जी उनके फैन बन जाते हैं और उन्होंने बताया कि भगवान विट्ठल की आप पर नियत है और भगवान का ये आशीर्वाद है आपके ऊपर में। तो वहीं हिमेश रेशमिया जी मंच पर चले आते हैं और इनके परफॉर्मेंस की जम के तारीफें करते हुए, कितनी क्लीन आवाज है आपकी, आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इस तरह की बातें चैतन्य के गाने को सुनने के बाद में बताई है दोस्तों, जो कमाल का उनका परफॉर्मेंस है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सारेगामा पा का नया सीजन जो आज से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और चैतन्य के परफॉर्मेंस का आपको कितना बेसब्री से इंतजार है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारेगामा पा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।